नमस्कार। विश्वविद्यालय की खबरों में मैं हूं सत्यभूषण सिंह। विश्वविद्यालय के एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने चंद्राशय का भ्रमण किया। चंद्राशय एक ऐसी संस्था है जहां उन लोगों के लिए आश्रय प्रदान किया जाता है जो कहीं न कहीं से निरीह हैं, कमजोर हैं। चंद्राशय के बारे में बताया भावना मिश्रा ने। विद्यालय के समाज कार्य विभाग के छात्र छात्राओं का शुक्रवार शनिवार का फील्डवर्क विजिट हमेशा की तरह इस बार चंद्राशय आश्रम गया, जहां पर बच्चों ने लोगों रह रहे लोगों की केस स्टडी को अच्छे से समझने की कोशिश की। वहां जाने पे हमें पता चला कि डॉक्टर लाला खरे का जन्मदिन था उसी दिन शनिवार को, तो बच्चों ने उनके जन्मदिन को कुछ खास मनाने के लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये उनके लिए भी बहुत खुशी का पल था और बच्चों के लिए भी बहुत खुशी और गर्व का था कि उन्होंने एक इतने बुजुर्ग और हमारे सपना के विकास के कार्य के लिए जिन्होंने अपना पूरा लाइफ लगा दिया, उस इंसान का जन्मदिन सभी ने मिलकर। एमएसडब्ल्यू विभाग में ही विद्यार्थियों के लिए गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इस गेस्ट लेक्चर के बारे में बताया गेस्ट फैकल्टी ने। आज समाज कार्य की कक्षा में मेरी छात्रों से उनकी जो नियोजन कौशल है उसके बारे में बात हुई और एमएसडब्ल्यू के अंतर्गत परीक्षा पास कर लेने के उपरांत कहाँ कहाँ किन किन विभागों में किस तरह के नियोजन के अवसर हैं इसके संबंध में चर्चा की और कौन कौन सी नियोजन की कुशलताएँ एक अच्छे प्रोफेशनल्स को अर्जित करनी चाहिए परीक्षा के उपरांत, इसके बारे में भी छात्रों से बात। स्पंदन 2015 की धूम के बीच विद्यार्थियों ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है। विद्यार्थियों का कहना है कि इन्हें हुनर दिखाने का बेहतर मौका और प्लेटफॉर्म मिलेगा। कल्चरल इवेंट्स में जो मोनो एक्टिंग का सीक्वेंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमको हमेशा इंतज़ार रहता है। एवरी ईयर हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी इवेंट आ जाए हम लोग उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाए। अब कल्चरल प्रोग्राम में डांस होने वाला है, वो मेरा फेवरेट है और जिसके हमारे कोऑर्डिनेटर दीपक सर है और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फोक डांस होता है और तरह तरह के डांसेस होते हैं, तरह तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसको करने के लिए हम साल भर वेट करते हैं बहुत ज़्यादा। कल्चरल प्रोग्राम में डांस एक्टिंग ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों को अपना एक नाइस प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो अपना टैलेंट शो कर सकें। नाइस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे खो खो खेल बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।